गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम एक बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट वन इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वैसे तो 10th क्लास में भी आपने डिस्कस किया हुआ है। इसमें बेसिक हमारे पास तीन चीजें हैं, वी, आई और आर। V is the potential difference between two points. Actually, potential difference है क्या? Suppose करो A और B दो points हैं। मुझे एक charge Q को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सेंड करना है। ए से बी तक सेंड करने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या रहेगी? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट रहेगी वोल्ट। क्लियर है? दूसरी चीज करंट। करंट हम कल डिस्कस कर चुके हैं, वैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू बाय टी। इसकी यूनिट क्या रहती है? एम्पियर। तीसरी टर्म है इसमें आर, एंड आर इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा रेजिस्ट करना। कोई भी वायर है या कोई भी कंडक्टर है, वो अपने अंदर से करंट को पास होने से रेजिस्ट करे, रोके, उसकी उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ इन तीन चीजों के साथ डिस्कस करना है हमें, दैट इज दीज थ्री थिंग्स आर वी, आई एंड आर। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा ओम्स लॉ कहता है। इन अनदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है रेजिस्टेंस आर, या हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ वी बाय आई, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर। एक चीज और ध्यान रखना, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? हमारे पास ओम है, ध्यान रखना बेटा इस चीज को।